हेलो दोस्तों, आज मैं मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा स्ट्रेस जो हर व्यक्ति को है, एक ऐसा टेंशन वो हर स्टूडेंट को है, ये लेके कि मेरी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, होगी तो क्या मैं तैयार हूँ, नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा। बट एक अगर मैं आसान सा सवाल तुम्हें पूछूँ कि एग्ज़ाम हो अभी हो या ना हो, मुझे पेपर तो देना ही है, मुझे पढ़ाई तो करनी ही है, तो क्यों ना मैं अभी पढ़ लूँ। क्योंकि ये सीए का जो एग्ज़ाम है ये हार्डवर्क से पास नहीं होता, ये जो सीए का एग्ज़ाम है पास होता है मेंटल स्ट्रेस से। जो व्यक्ति इस मेंटल स्ट्रेस से निकल गया वो एग्ज़ाम पार कर गया। मेरे लिए तो वही व्यक्ति पास होता है जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर गया, जो मेंटल स्ट्रेस को अपने अंदर से जाने दिया, वो व्यक्ति सही मायने में सीए कहलाया जाता है। क्योंकि सीए में तो पढ़ के हर व्यक्ति पास हो सकता है, बट जो इंसान मेंटल स्ट्रेस से आगे निकल गया वो व्यक्ति लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लेगा। हमेशा से ये कहा जाता था कि जो व्यक्ति कठिन समय में काम कर लिया वो व्यक्ति हर सिचुएशन में, हर पल में, जीवन की कोई भी कठिनाइयों में काम कर सकता है। क्यों ना इस वक्त पे मैं अपने आप को आजमा के देखूं, क्यों ना इस वक्त पे मैं अपने आप को देखूं कि क्या मैं पढ़ पा रहा हूँ या नहीं। अगर तुमने इस कठिन वक्त में पढ़ाई कर लिया, मतलब समझ लेना कि तुम लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो। थैंक यू दोस्तों।